जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष और नवग्रहों में शनि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनको न्याय का देवता, कर्म फल दाता कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनि देव प्रसन्न हो जाएं, उसे रंक से राजा बना देते हैं, और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए तो उन सभी व्यक्तियों की मुसीबत बढ़ा देते हैं। ये भी माना जाता है कि शनि हमारे इसी जीवन में हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ फल मिलते हैं, अशुभ कर्म होते हैं तो अशुभ फल मिलते हैं। एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहता है, और इस तरह से ये 2.5 वर्ष में एक राशि बदलता है। अभी शनि मकर राशि में चल रहे हैं, और इस 2021 में पूरे वर्ष भर मकर राशि में ही ये रहने वाले हैं। शनि भले ही अपनी राशि परिवर्तित ना करें इस वर्ष, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन इस महीने में ज़रूर होगा। और जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो उसके आधार पर ये रिजल्ट भी देंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि की, कि सिंह राशि के लोगों के लिए अब शनि का जो नक्षत्र का परिवर्तन होगा वो किस तरह के प्रभाव देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, एक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस वर्ष शनि मकर राशि में है, और अभी उत्तर साढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य शनि दोनों पिता पुत्र। अब 22 जनवरी को शनि उत्तर साढ़ा नक्षत्र से निकलकर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रदेव, जो कि मन के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो सूर्य के नक्षत्र से निकलकर चंद्र के नक्षत्र में पहुंचना काफ़ी प्रभाव देने वाला होगा। और इसके अलावा शनि अभी अस्त भी चल रहे हैं, 7 जनवरी से 10 फरवरी तक शनि अस्त होने वाले हैं। अस्त होने का मतलब है तेजहीन होना, यानी अभी वो अपना प्रभाव नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह का प्रभाव देने में असमर्थ हैं। 10 फरवरी को जब शनि उदय होंगे तब वो अपना प्रभाव देंगे, और जो नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है इसका भी प्रभाव बेहद अधिक होने वाला है। तो सिंह राशि की बात कर रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए जो ये प्रभाव है ये किस तरह का होगा। दोस्तों, सिंह राशि के लोगों के लिए ये नक्षत्र का परिवर्तन आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। आप बेहद आत्मविश्वासी रहेंगे, अपने पारिवारिक रिश्तों को काफ़ी मजबूती से निभा पाएंगे, यात्रा का योग भी बनेगा, और यात्रा के लिए समय भी अनुकूल रहेगा। ये जो समय होगा ये सिंह राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य के लिए सावधानी जरूर रखनी होगी, और अपने विरोधियों पर दबाव बनाकर रखें। अगर विरोधियों पर दबाव बनाकर रखेंगे तो सफलता आपको ही प्राप्त होगी। यदि उन विद्यार्थियों की बात करें जो प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं, तो उनको मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर अभी नहीं मिलता है तो आपको बस धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी, आपके जो कर्म हैं उनका फल जरूर मिलेगा। पार्टनर से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, तो उनसे बोलते वक्त आपको सावधानी रखनी है। विदेश यात्रा के बड़े प्रबल योग बनेंगे, विदेश यात्रा भी इस दौरान आपके लिए बनी हुई है, और अभी देखिए फरवरी के बाद आपके लिए विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा है। इस दौरान प्रेम जीवन के लिए समय थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, आपको साथी के साथ बड़े अच्छे से पेश आना होगा। अच्छे से पेश यानी कि किसी भी तरह के अहम के टकराव से बचना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी है। खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 10 फरवरी तक तो शनि अस्त है, उसके बाद जो नक्षत्र का परिवर्तन का प्रभाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में अच्छा भी है, जैसे कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला चल रहा है तो यहाँ आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। खर्चे भी होंगे, और खर्चों को अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर देते हैं तो इन खर्चों का प्रभाव भी आपके लिए ठीक रहेगा। यानी कि खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बजट बनाकर चलें। अगर बजट बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के लोगों पर शनि की ना साढ़े साती है ना शनि ढैया है, तो जिसकी वजह से ये जो प्रभाव है ये काफ़ी हद तक आपके लिए ठीक रहेगा। अब इन लोगों के लिए, सिंह राशि के लोगों के लिए
छठे भाव में शनि है, और यहाँ छठे भाव में फिलहाल सूर्य हैं, लेकिन 12 फरवरी को ये राशि बदलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे, सातवें भाव में चले जाएंगे, लेकिन तब तक सूर्य का प्रभाव तो बहुत शुभ रहेगा और शनि अस्त हैं, तो शनि किसी भी तरह का काम का जो है बहुत अधिक प्रभाव नहीं देंगे, तो ये समय भी अच्छा आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान 10 फरवरी से आपको रखना है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, और साथ में सिंह राशि के व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करके रखें। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, बाहर यानी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन प्रयास करने से, अगर आप प्रयास करते हैं तो उन प्रयासों का प्रभाव आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। करियर के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो विदेश की यात्राओं का योग बहुत अच्छा है, वहाँ जाने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। सिंह राशि के जो जातक व्यापारी हैं, तो व्यापारियों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी, किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, और जिन व्यक्तियों को आप शत्रु मानते हैं उनसे तो खास तौर से आपको संभल कर रहना है, बचकर रहना है। ऐसे में छठे भाव में शनि का बैठना आपके शत्रुओं को उभार सकता है, शत्रुओं को लेकर आ सकता है, तो उनसे सावधानी रखें। ऐसी स्थिति में आपको शत्रुओं से नुकसान ज़रूर हो सकता है, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है, शनि के उपाय करने हैं, क्योंकि शनि के उपाय कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे साबित होंगे। मानसिक तौर पर आप अच्छे होंगे, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह माने जाते हैं, और ये मानसिक रूप से आपको एनर्जी भी देंगे, स्वस्थ भी रखेंगे। जब आप मानसिक रूप से ठीक होंगे तो अपने काम पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। इस दौरान कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, क्योंकि छठा भाव रोग शत्रु का भाव भी होता है। वाहन चलाते समय यातायात के सभी नियमों का पालन आपको करना है, और देखिए कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं। जैसे प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर जाएं और वहाँ शनि के मंत्र का जप करें, या फिर आप जो अमावस्या आती है, महीने में एक बार अमावस्या आती है, प्रत्येक अमावस्या को एक नियम बना लें कि प्रत्येक अमावस्या को आपको किसी गरीब व्यक्ति को या किसी रोगी व्यक्ति को या किसी अंधे व्यक्ति को भोजन कराना है, कुछ दान देना है। भोजन कराना सबसे उत्तम माना जाता है, अन्न का दान करना, तो वो बहुत लाभकारी आपके लिए साबित होगा, क्योंकि पूरे वर्ष भर छठे भाव में ही शनि आपके लिए बैठने वाले हैं। और मंगलवार के दिन आप शनि हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का किसी भी चीज़, गुड़ चना मिलाकर कुछ बनाकर आप उसका भोग लगाएं, और जो बाकी प्रसाद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप बांट सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।